राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान कांग्रेस में सीएम कुर्सी को लेकर दो दिनों से मचे घमासान के बीच मंगलवार दोपहर करीब 20 विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे हैं। इस मुलाकात को सियासी संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम से मिलने वालों में कुछ मंत्री भी शामिल है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष एके एंटनी को दिल्ली बुलाया गया है। एंटनी आज रात 10 बजे तक दिल्ली पहुंच रहे हैं। एंटनी आज देर रात या कल सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राजस्थान के घटनाक्रम को देखते हुए एंटनी को बुलाना काफी अहम माना जा रहा है। एंटनी को अजय माकन की रिपोर्ट पर एक्शन लेने के लिए कहा जा सकता है। सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं, वे पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने दावा किया है कि पायलट ने सोनिया गांधी से बात की है और कहा है कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो वे राजस्थान सीएम का पद छोड़ें, लेकिन खुद सचिन पायलट ने ट्वीट कर इसे गलत खबर बताया। कांग्रेस के मुख्य सचेतक और बगावत के मुख्य किरदारों में से एक माने जा रहे महेश जोशी ने कहा, यदि आलाकमान नोटिस देता है तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ, कोई सजा देगा तो भुगत लूंगा। किसी विधायक को जबरन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के घर नहीं बुलाया गया था। आलाकमान की इच्छा के आगे सब नतमस्तक है। पवन बंसल ने आज दिल्ली में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म लिया। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि पवन बंसल और शशि थरूर नामांकन फॉर्म ले चुके हैं। गहलोत को लेकर कोई अपडेट नहीं है, इस बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। इससे पहले मिस्त्री ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा की। आज शाम तक कई नए नाम सामने आ सकते हैं। राजस्थान के घटनाक्रम के बाद गहलोत के नाम को लेकर संशय बन गया है। राजस्थान के सियासी संकट को हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। रविवार शाम को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार और उसके बाद हुए घटनाक्रम को अनुशासनहीनता माना गया है। कांग्रेस की कार्यकारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई है। इससे पहले सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद पर मंगलवार सुबह पार्टी के बड़े नेता पहुंचे। इसमें अंबिका सोनी, गिरिजा व्यास, राजीव शुक्ला जैसे नेता शामिल हैं। ऑब्जर्वर बनकर जयपुर आए मल्लिका अर्जुन खड़गे और अजय माकन आज अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। इस रिपोर्ट पर सोनिया गांधी बैठक करेगी। माना जा रहा है कि राजस्थान संकट को लेकर आज बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।